स्तुति का स्नान बच्चे को पहली बार नहलाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। किससे नहलाते हो? साबुन, छोटा सा साबुन आता है जॉनसन्स बीबी, बच्चों का न्यारा साबुन आता है। साबुन केमिकल से बनता है और केमिकल बच्चे की कोमल कोमल त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। साबुन बनता है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। इतना सा कास्टिक पोटास आप अपने हाथ पे रखो और थोड़ा सा पानी डाल दो तो हथेली जल जाती है। एक दो महीने में वो घाव ठीक होता है। इतने खतरनाक केमिकल से हमारा साबुन तैयार जो हम बच्चे की त्वचा पर लगा देते। पहली बार का स्नान गोमूत्र युक्त जल से करना चाहिए। पहली बार बच्चे को गाय माता के गोमूत्र से युक्त जल, यानी कि जब पहली बार नहलाओ ना बच्चे को, कुआ पूजन, सूरज पूजन, जलवा पूजन, क्या कहते हैं अपने, कुआ पूजन, पहली बार बच्चे को नहला रहे हैं, एक तांबे के लोटे में एक लीटर पानी भर दो और उस एक लीटर पानी में 100 ग्राम गोमूत्र डाल। फिर बच्चे को नहलाओ। जिंदगी भर बच्चा दाद खाज खुजली से मुक्त रहेगा। उसको किसी भी प्रकार की खुजली, स्किन डिजीज, चमड़ी का रोग बच्चे को नहीं। और गौमूत्र में तो साक्षात गंगा जी का निवास है और गौ माता जी की कृपा होती है तो गंगा जी की कृपा होती है। अगर गोमूत्र से नहलाया मतलब गंगा जल से नहलाया, क्योंकि गौ माता के गोमूत्र में ही गंगा जी का निवास होता है।